अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आज जो है मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँगी। इसमें जो है हम लोगों ने मंथ का स्टार्ट था तो हमने सोचा चलें ग्रोसरी करने चलते हैं। तो वैसे तो हम ज़्यादातर एम्पोरियम जाते हैं, इस दफ़ा मैंने कहा थोड़ा सा फोर्ट्रेस चले, वहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को इंजॉय भी करवाया जाए, तो साथ साथ व्लॉग। जी हम लोग इस पुल से जो है पता चल जाता है कि जी स्क्वायर मॉल यहाँ से नज़र आता है फोर्ट्रेस का, और हम लोग जो हैं फोर्ट्रेस पहुँच गए हैं, बस थोड़ा सा ही आगे है और गेट नंबर हम 3 से एंटर हो जाएंगे। इस पुल से पता चल जाता है जब भी फोर्ट्रेस आने वाला है, और यहाँ से हम अंदर आ गए हैं। सीधा ही जो है हम कारफोर्ड पर जाएंगे और वो मैकडोनल्ड्स की बैक साइड पर है। जी हम अब कारफोर पहुंच गए हैं, और ट्रॉली में तो बच्चों को बैठने का बहुत मज़ा आता है, ये तो ख़ास तौर पर इंजॉय करते हैं ट्रॉली में बैठ के। और जी अब हम जो हैं फोर्ट्रेस में, ये उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया हुआ है जो शैम्पू और स्किन्स की प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हो गया शैम्पू क्रीम्स और ये सब चीज़ें उन्होंने ना डिपार्टमेंट अलग रख लिया हुआ है, और इसकी बिल पेमेंट भी अलग इन्होंने रख दी हुई है। तो यहीं से आप लें और यहीं पे बिल पे करें, और बाकी चीज़ों का अलग है। ये सिर्फ मैंने फोर्ट्रेस में देखा था, एम्पोरियम में तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ना प्रोडक्ट्स कुछ अलग कर दिए हुए इनकी। यहाँ पर उन्होंने साथ साथ कॉस्मेटिक्स भी रखी हुई हैं, और यहाँ से आप मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स हैं यहाँ पे, मेबलिन और रिवाज हो गया मुख्तलिफ़ किस्म के, तो इजीली आप लोग यहाँ पे ना कॉस्मेटिक्स की भी चीज़ें ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने जस्ट शैम्पू वगैरह थोड़ी सी चीज़ें ली थी, क्रीम्स और पेस्ट वगैरह बच्चों के लिए, और यहीं पर हमने जो था बिल पे कर लिया था। फिर हम आगे निकल गए थे दूसरी ग्रोसरीज़ के लिए। बच्चों का तो बस दिल करता है कि हम हर चीज़ रख लें, हर चीज़ ये भी ले लें वो भी ले लें, बस बच्चों को शौक यही होता है ग्रोसरी में हम लोग अपने चिप्स अपने बिस्किट स्नैक्स वगैरह रख लें। और हमने थोड़ी थोड़ी सी ग्रोसरी भी की थी, कुछ बच्चों की फेवरेट्स जेलीज भी ले ली थी, कस्टर्ड्स भी ले लिए थे कि चलें बच्चों के जो फेवरेट कलर्स हैं उन्होंने फिर अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ली थी, और बच्चे ऐसे खुश भी हो जाते हैं और थोड़ा सा इंजॉय भी कर लेते हैं। और ये जो चॉकलेट का कस्टर्ड था बहुत अच्छा था, मैंने घर पर बनाया था बच्चों के लिए, काफ़ी मज़े का ये बनता है कस्टर्ड।
आजकल जो है हम लोग जो है पिंक सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ये फलक हमालिया का बहुत अच्छा होता है। ये होता है कि हमारे ये दो पैकेट चल जाते हैं और नॉर्मल रेंज में इतने नहीं है। मैंने एक दफ़ा नेशनल का लिया था लेकिन उसका ना बिल्कुल वाइट था, उसमें दो तीन ड्रॉप्स इन्होंने पिंक के डाले तो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये फलक का हिमालय का नमक बहुत अच्छा है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे हम आ गए हैं फ़िश के डिपार्टमेंट में। बच्चे अब देख रहे थे, इंजॉय कर रहे थे कि कौन कौन सी फ़िश है। और ये देखें जी, बच्चे देख रहे हैं और इन्होंने काफ़ी पुरानी पड़ी होती है, ये मीन्स के फ्रेश नहीं होती, इन्होंने फ्रीज यहाँ पे रखी होती हैं। हमने तो वैसे यहाँ से कभी लिए नहीं, चिकन्स वगैरह हम ले लेते हैं। और ये देखें जी, पाए शाए मग्स भी पड़ा हुआ है बकरे का, हर चीज़ मिल जाती है लेकिन यहाँ पर फ्रीज होती है। ये फ्राई पापड़ होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। ये भी हमने थोड़े से ले लिए थे बच्चों के लिए। और ये तो है किसी टाइम इंसान का दिल करता है तो हम लोग ये फ्राई कर लेते हैं। और वाइट जो है राइस वाले भी ये होते हैं, उनको भी आप ऑयल में करें तो बिल्कुल ऐसे लगता है क्रिस्पी से होते हैं। सूप वाले भी होते हैं। और जी ये आ गए जी मसाले दालें वगैरह। और मैंने कहा साथ साथ थोड़ी सी वीडियो बनाएं, सारा देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और ये नींबू पापड़ हैं, और उसके साथ इन्होंने बाकी, ये मेरी तो फेवरेट गच्चक है तो बड़े शौक से खाते हैं, ये भी मैंने ले ली थी। आगे हैं फ्रोज़न चीज़ों पे और ये सूफ़ी का पैकेट है, ये 2500 का मिल जाता है। इसमें ये होता है कि ये नगेट्स भी होते हैं, इसमें कबाब भी होते हैं और साथ पैटी भी दे देते हैं। और बहुत मज़े का होता है, ये होता है कि बच्चों के लिए 2-3 वीक्स जो है ना चल जाता है, ये स्कूल में बच्चे ले जाते हैं तो सुबह ईजीली बंदा इनको फ्राई करके बच्चों को दे देता है। ये बहुत अच्छा पैकेट है और मंथली ग्रोसरी में ये ज़रूर लेती हूँ सूफ़ी का। तो हम लोग ज़रा थोड़ा सा देख रहे थे कि ये फ़र्स्ट टाइम ले रहे थे, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा चेक कर लें जी क्या प्राइस और बाकियों में भी थोड़ा सा डिफरेंस देख लें। लेकिन मैंने ये यूज़ किया तो बहुत अच्छा था, टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा था और बिल्कुल फ़्रेश लगते हैं, फ्राई करो तो बहुत मज़े के होते हैं ये। साथ साथ बाकी कंपनीज़ के भी देख रहे थे कि उनके रेट और इनके रेट में क्या फ़र्क है, और उनकी फ्रेशनेस में और इसकी फ्रेशनेस में क्या फ़र्क था। काफ़ी डिफरेंस था, ये थोड़े से देखें येलो येलो, कुछ रेड हैं कुछ येलो हैं, लेकिन फ़र्क जो अच्छा लग रहे थे वो सूफ़ी के ही लग रहे थे। फिर एंड पे हमने डिसीजन यही लिया कि हम सूफ़ी के ही लें, फिर हमने फिर सूफ़ी का ही पूरा पैकेट ले लिया था क्योंकि पूरे पैकेट के अंदर ही सारा कुछ था तो वो ठीक है। बाकी अगर दूसरी कंपनीज़ का लें तो वो फिर अलग अलग पैकेट्स देते हैं, कबाब भी अलग, नगेट्स भी अलग और पैटीज भी अलग। तो इसमें यह था कि तीनों चीज़ें थी तो इजीली फिर हमने ये ले लिया था।
पे नज़र आए डोनट्स, तो बच्चों ने कहा हमने लेना, फिर इनके लिए हमने ये ले लिया। अभी हमने इसका बिल करवा के फिर इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट रखा हुआ फूड एरिया कारफोर्ड वालों ने, तो फिर वहाँ पे बैठ के हमने बच्चों का चलो फिर आप लोग खा लें, हमने ये फिर इसका बिल करवा लिया था और बच्चों को ये बहुत पसंद आए थे। और कारफोर की तो मोस्टली तौर पे जब भी हम जाते हैं ये ज़रूर खाते हैं इनका। नॉर्मली ये होता है कि बच्चों के लिए अच्छा होता है और इतना मीठा भी नहीं होता, नॉर्मल सा होता है। और फिर हमने कहा एक ज़रा प्लेट ले लेते हैं चाट की, तो इसमें यह था कि आप लोग वेट के हिसाब से इसमें डालें और अपने फ्लेवर से, और इसको फिर पैक करवा लें। ये भी हमने फिर फूड एरिया में जाके बैठ के हमने खाया था। कारफोर आए और हम ये रस वगैरह ना लें कभी, हो सकता है मैंने फिर ब्रेड रस और बच्चों के लिए बंद ले लिए थे। ये होता है कि इन्होंने इसी फ्रेशली इन्होंने बनाए होते हैं तो वैसे ही यहाँ पे रख देते हैं, और उस पर डेट्स भी लिखी होती हैं, तो फिर मैंने ये ले लिए थे घर के लिए। फिर हमने बच्चों की पसंद के जूस ले लिए, उन्होंने डोनट खाने थे और साथ हमने जो था चाट थी वो ले ली थी, और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। और अब जो है हम फूड्स जहाँ पर उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट रखा हुआ खाने के लिए वहाँ फिर बैठ जाएंगे बच्चों के साथ। पे जी बच्चे इंजॉय कर रहे थे, खा पी रहे थे, और फिर साथ ही मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर वाले पोर्शन में जाके देखते हैं। वहाँ पे ये है कि कपड़े वगैरह होते हैं जेंट्स के और बच्चों के खिलौने वगैरह, साथ ही ये बेकरी का सारा सामान था कारफोर का। ये होता है कि इनका ये फ्रेश होता है। अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और सारा जो है दूसरी का कपड़े वगैरह, खिलौने और क्रॉकरी वगैरह, टीवी और ये बाकी सारी चीज़ें ना इलेक्ट्रिक्स का भी ऊपर वाले पोर्शन में था, तो मैंने कहा साथ साथ वीडियो भी बनाते हैं।
माशाल्लाह से बच्चों ने तो खूब इंजॉय किया यहाँ पे, नापिया को तो बहुत मज़ा आ रहा था। नहीं जी, अब हम चलते हैं जी वापसी घर की तरफ। तो मैंने कहा थोड़ा सा वापसी का भी व्लॉग बना लें थोड़ा थोड़ा सा। जी अब हम करते हैं अपनी वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।